सबसे पहले हम तार आसन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लिए हैं, उसके बाद में अब हम तार एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम अपने दोनों हाथ को उठाएंगे और इसमें लॉक कर लेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। धीरे धीरे हम हाथ को खोलेंगे। नेक्स्ट वृक्षासन, हम सबसे पहले अपने पैर को यहाँ पे रखेंगे और ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे, फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने हाथ पैर को धीरे धीरे में हम दो जैसे कर सकते हैं, एक बार ऐसे भी सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे पैर को, अपने पैर को समान करेंगे, फिर चेंज करके पुनः इसी को ध्यान रहे कि कभी भी ये हम करेंगे तो अपना ध्यान को केंद्रित करके एक दिशा पर रखेंगे, उसके बाद में ऐसे करेंगे तो हम करें हो जाओ। नेक्स्ट उसके बाद में हम वृक्षासन करने से जो आर्थराइटिस के रोग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कभी भी ये करते हुए हम ध्यान रखेंगे कि ये जो एरी है हमको यहाँ पे होना चाहिए, और जो लड़के चाहे जो नए हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हाथ पैर को कर रहे हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, सांस को छोड़ते हुए हम पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे को ऐसे करेंगे, सांस को छोड़ते हुए
सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम खड़े हो जाए। नेक्स्ट, अब अर्ध चक्रासन हम करेंगे। अपने हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे और गर्दन के मांसपेशियों को खींचते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। जिनका बीपी है वो सावधानी पूर्वक झुके। अब त्रिकोण आसन हम कर रहे हैं। पैरों को हम ऐसे फैला लेंगे और अपने हाथ को धीरे धीरे उठाकर हम बराबर कर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम दाहिने की ओर धीरे धीरे झुकेंगे और अपने समान सांस के छा अपने हाथ को देखेंगे ऊपर की ओर। ध्यान धीरे धीरे फिर वही दिशा में, फिर इसके विपरीत दिशा में हम करेंगे। अब भद्रासन हम कर रहे हैं। तो पहले हम पांव को फैला लेंगे और हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने पैरों को अपने पास लाएंगे। ध्यान दें, इसको हम अपने जितना निकट हो सके उतना लाएंगे और इससे क्या करेंगे, अपने और इस पोजीशन में होके अपने धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे और धीरे धीरे पैरों को फैलाकर उन्हें विश्राम की स्थिति में लाएंगे। आइए, हम वज्रासन कर रहे हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएं और अपने पैरों को मोड़कर उस पर बैठ जाएंगे। जिसने हम बैठे हैं उसका बैठ गए। बैठने के बाद आइए कर रहे हैं, इस पे बैठ जाएंगे। पैरों को ऐसे करके सांस भरकर सांस को चेस्ट को बाहर निकालकर पेट को अंदर खींच कर यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट, ये हम अर्ध उष्ट आसन कर रहे हैं। सबसे पहले हम पैर को
घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को नितंब पे रखेंगे और धीरे धीरे झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए फिर हम ऊपर आ जाएंगे। इससे हमारे जो पीठ में दर्द होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और कभी भी ध्यान में रखेंगे, जाएंगे तो सांस लेते हुए और आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। अब हम उष्ट आसन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को एड़ी को पकड़ लेंगे। उसके बाद सांस को कभी भी ध्यान दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे कर ऐसे धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ठीक है, ये जो नितंब होते हैं उसमें जो फैट होते हैं उसको खत्म करते हैं। और कभी भी ये ध्यान रहेंगे कि जो इसको हर्निया के पेशेंट हैं वो ये एक्सरसाइज को ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे अब हम आइए हम कर रहे हैं शशांक आसन। ठीक, इस पर हम धीरे धीरे बैठ जाएंगे और अपने हाथों को धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हुए हम ऊपर उठेंगे। ये गुस्सा को खत्म करता है, अपने पैर को फैला देंगे। उत्तान मंडुकासन अब हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे है हमारा पैर बैक में जाएगा तो ऐसे हो तो अपने धीरे धीरे ये फेफड़ा को मजबूत करता है और जिसको चेंज करेंगे। फिर पूर्ण विश्राम करके अब नेक्स्ट सबसे पहले दोनों पैर फैला लेंगे। अब आइए हम करें उक्रासन। पहले हम दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे।
इसको ऐसे मोड़ लेंगे अपने हाथ को ऐसे करके, ऐसे करें। नेक्स्ट आइए हम विश्राम कर लें। सबसे पहले हम फिर अपने पैरों को अंदर की ओर खींच कर ऐसे पकड़ कर फिर धीरे धीरे दूसरे पैरों से भी करेंगे। इसको करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा यहाँ पे सटना होना चाहिए, यहाँ पे सटा होना चाहिए और ये हाथ को ऐसे उधर से सटना चाहिए और एक कुल्ला है इसको नीचे सटना चाहिए जिसमें इसने मकर आसन। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपने पैर को दोनों फैला लेंगे और ऐसे अपने हाथ को करके और इसको इसमें पैर को दोनों ओर थोड़ा फैला कर ऐसे कर। इसको हम मकरासन कहते हैं। अब भुजंगासन हम करें, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। भुजंगासन सबसे पहले हम पेट के बल लेट के जाएंगे इसमें और अपने पैरों को जो फैलाए थे उसको आपस में जोड़ लेंगे, अपने हाथ ऐसे कर लेंगे और माथे को ऊपर रखेंगे, हाथ को चेस्ट के पास रखकर धीरे धीरे उठाएंगे। ये भुजंगासन कभी भी ध्यान में रहे कि हम हाथ पे वेट नहीं करेंगे, चेस्ट पर जोर भी पड़ना चाहिए, चेस्ट के लिए भी लाभदायक होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे को तक करके और धीरे धीरे अपने हाथ को से करके और धीरे धीरे उठना चाहिए। नेक्स्ट सलभ आसन। सलभ मतलब फिर पेट के बल हम लेट जाएंगे, पैर को आपस में सटा लेंगे और हाथ के सीधा हम यहाँ पे किनारे रख लेंगे और पैर को बिना घुटना को मोड़े हुए हम अपने पैर को उठाएंगे, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। सीधा रख लें, छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे लेंगे और बाह को ऐसे करके हम विश्राम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेतु बंधासन हम करेंगे। सबसे पहले हम पीठ लेट जाएंगे और पैर को आपस निकट करेंगे, दोनों पैरों को हम पकड़ेंगे और अपने पेट को ऊपर उठाएंगे, सांस को भीड़ सांस को अंदर लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना।
सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे समान स्थिति में आ जाएंगे। इससे कमर दर्द भी ठीक होता है। नेक्स्ट उत्तान पदासन। सबसे पहले हम पीठ के बाद लेट जाएंगे और 30 डिग्री के एंगल में पैर को हम लेंगे तो पैर को 30 डिग्री के एंगल में रखेंगे तो सांस धीरे धीरे लेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले देंगे। यह जो नाभि होती है यहाँ पे जोर पड़ता है इससे। अब आइए अर्ध हलासन कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिर पुनः ऐसे हाथ को नीचे रखेंगे और इसको 90 डिग्री के एंगल में पैर को उठाएंगे। अर्धहलासन को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर ऊपर ना उठे और कभी भी हम पैर को उठाएंगे तो धीरे धीरे उठाएंगे और धीरे धीरे वापसी करेंगे और ध्यान रहे कि कभी भी वापस ले जाने में और पैर को झुकाने में हमारे सिर के ऊपर ना उठे। नेक्स्ट यदि हमारा पैर पे पीठ दर्द करता है तो ये सबसे उत्तम आसन है। और आइए हम पवन मुक्त आसन कर रहे हैं। पहले हम प्लेट के पीठ के बल सो जाएंगे और स्थिति में सांस को छोड़ेंगे और टांग को सीधे फैला देंगे। नेक्स्ट यदि हर्निया हो और साइटिका का जो पेशेंट है तो इसे ऐसे न करें। अब नेक्स्ट करेंगे हम स्वासन। सबसे पहले हम पैर को ऐसे कर लेंगे और सीधा होकर ठीक है पैर को ऐसे करके पूरे शरीर को ढीला दे देंगे और एकदम शांति से रहेंगे। श्वास की गति एकदम धीमे कर देंगे और ये है जब हम संपूर्ण आराम के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। ध्यान रहे इसको करते हुए हम अपने सांस को जितनी धीमी हो सके उतनी धीमी लेंगे। कभी भी हम झटका देकर डायरेक्ट नहीं उठेंगे। स्वासन मतलब
सौ अर्थात मृत्यु के समान जो व्यक्ति रहता है उसी के जैसा यह आसन है। अर्थात कहने का मतलब श्वास को एकदम धीमे लें जितना हो। अब आइए हम कर ले रहे हैं कपाल भाती। सबसे पहले हम अपने किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और सांस को अंदर खींच के खींचेंगे, तेजी से हल्का छोड़ेंगे इस प्रकार। इसको 300 बार कम से कम करते हैं, ये हमारे पास टाइम की कमी है जिसके कारण हम कम करते हैं करेंगे इस बार। क्या करेंगे और उसके बाद में गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और अपने हाथ को आपस में रगड़ेंगे और आँख को सेकेंगे और फिर उसको फिर लगा लेंगे। ऐसे हम लोग कम से कम 3 बार करना चाहिए, 3 राउंड। नेक्स्ट धीरे धीरे हम अपने आँख को खोलेंगे। कपाल भाती करने से और ये वाला एक्सरसाइज करने से हमारा जो कफ समस्या होती है, जो कफ के जितने विकार हैं वो सबको नष्ट करते हैं। नेक्स्ट पहले हम सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएंगे अनुलोम विलोम हम करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और अपने थंब से आँख को बंद करते हुए थंब को लगाकर दाएं हाथ से सांस लेंगे, फिर दाएं हाथ पकड़कर छोड़ देंगे। इसी को प्रक्रिया को हम चेंज करेंगे। आप दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। बस में हम लगाएंगे, रगड़ेंगे हाथ को और तलहटी को गर्म करते हुए आँख को सेकेंगे, उसके बाद में अपने फेस को सेकेंगे। अब हम आइए हम कर रहे हैं ब्रह्म उंगली को पहले अंगूठा से इसमें हम पुश करेंगे, यहाँ पे नाक के पास रखेंगे, इसको रखेंगे तो करेंगे मध्यम उंगली से नाक के पास यहाँ पे फिर
सांस लेंगे, फिर मधुमक्खी के जैसा, भावड़े के जैसा हम आवाज़ निकालेंगे। आपस में रगड़ के करेंगे। नेक्स्ट अपने जीभ को शीतली प्राणायाम में हम जीभ को ऐसे कर लेंगे, इसी से सांस लेंगे, जीभ से सांस लेंगे जीभ के माध्यम से और नाक के माध्यम से छोड़ देंगे। ये चेहरा को पिंपल पर को ठीक करता है। नेक्स्ट अपने नाक के माध्यम से सांस ले लेंगे भरपूर, कोशिश करेंगे कि इतना ना एयर लेकर उसके बाद में कोशिश करके इसमें से हमारा निकले पूरा, जितना हो सके उस पर जोर देंगे, ठीक है, जितना हो जैसे फूकेंगे वैसे ही फूकेंगे, लेकिन सांस भरपूर सांस ले लीजिए, मुंह में भरिए। ऐसे करने से जो हम लोगों का पिंपल होता है वो सब खत्म हो जाता है इससे चेंज। सांस को भरेंगे, सांस को हमारा पूरा कुल बॉडी में वाइब्रेट करेंगे, ऐसे करने से हमारा जो पिंपल होता है वो सब समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जितना हो सके हम सांस को अपना रोक के रखेंगे। हम थोड़ा ओम का उच्चारण करेंगे। सांस को भरते हुए
ध्यान को ध्यान लगाएंगे, किसी हम एक पॉइंट पर, ये हमारी जुभाओं के बीच में जो जहाँ माताएं बहन बिंदी लगाते हैं वहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो ये हमारा हुआ योगा, अब हम समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।